हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू वेयर यूट्यूब चैनल आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट रिलेशन ऑफ फिलासफी विद रिलीजन एंड इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ फिलासफी विद साइंस लेट्स बिगिन आवर टॉपिक बोथ साइंस और फिलोसफी जो हैं ये बेसिकली डिफरेंट डिसप्लिन हैं सब्जेक्ट्स हैं बट बहुत जो हैं ये एम करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन नेचर को और आ, उनकी रिलेशनशिप्स को विद यर ओन नेचर बोथ जो है फ़िलासफी एंड साइंस यूज़ करते हैं मैथडोलॉजीज टेक्निक्स नॉलेज की एक मतलब कंक्लूजन्स ड्रा करने के लिए अबाउट अनी रियलिटी सो जो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के दरमियान है वो डिस्क्राइब करती हैं बोथ फ़िलासफी एंड साइंस वो जो फ़िलासफी एंड साइनस हैं ये यूज़ करते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट्स और एम्पेरिकल डाटा को ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए होल वर्ल्ड को जहाँ पे साइनस सीख करता है अंडरस्टैंड करता है और प्रिडिक्ट करता है होर होल वर्ल्ड को वहाँ पे फिलासफ़ी सीख करती हैं अंडरस्टैंड करती हैं और प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करती हैं ट्रूथ को थ्रू एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन नेचर और उनकी रिलेशनशिप विद देयर ओन नेचर जहाँ पे फ़िलासफ़ी यूज़ करती हैं आइडियाज़ को जो बेस्ड अपॉन होती हैं ऑब्जर्वेशन पे वहाँ पे साइंस यूज़ करता है मेथड्स इंक्वायरीज प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चंस बोथ साइंस और फिलासफी जो है वो हमें इक्वल देखने को मिलते हैं बट नोट दैट जो फ़िलासफ़ी हैं ये ब्रॉडर हैं देन साइंस बिकॉज़ जो फ़िलासफ़ी हैं ये यूज़ करती हैं लॉजिकल क्वालिटीज़ एविडेंसेस एन्क्वायरीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए रियलिटी को समटाइम्स हमें इनमें गैप देखने को मिल सकती हैं लाइक इन फिलोसफिकल थ्योरीज में हमें गैप देखने को मिलती हैं गैप इन देंस कि हमें फिलोसफिकल थ्योरीज इनकम्प्लीट कंट्राडिक्टरी एविडेंसेस हमें उनमें देखने को मिलती हैं देन इन कंप्लीट होने के नाते फर्दर उस पर साइनस टेस्ट करता है उन कंसेप्ट को और यूज़ करता है रीजन एंड लॉजिक मोर एवर बहुत फ़िलासफ़ी और साइंस जो हैं ये कॉमन शेयर करते हैं कॉमन गोल्स को सच एज क्रिएट करना नॉलेज को एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को और बोथ uh, के हमें कॉमन रूल्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी बोथ फिलासफर्स और साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं ट्रेंड ऑफ सेल्फ नॉलेज या रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड फ़िलासफ़ी बो डिसपन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं एक साथ और जो फ़िलासफी और साइंस हैं ये बेस्ड अपन होते हैं डायलाग्स अबाउट द ह्यूमन कंडीशंस बट डिफ्रेंस ये हमें देखने को मिलती हैं कि जो फ़िलासफ़िकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोर डाइवर्स और कंप्लेक्स होते हैं रादर दैन इम्पेरिकल और साइंस सब्जेक्ट सचैसे अगर हम कल्चरल फ़िलासफ़ी की बात करें जो कि इंपॉटेंट पार्ट हैं फिलासफ़ी का जो कि सीख करता है या डिस्कवर करता है नए नए एरियाज नए नए डायमेंशनस इन द्यूमन लाइफ ऑल द बोथ फिलासफी एंड साइंस जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं गैप्स डिफरेंसेस सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर ड्यू टू द रैपिड प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन साइंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला जिसकी वजह से हमें प्रोग्रेस एज वेल इन फ़िलासफी भी में देखने को मिला बिकॉज साइंस डिस्कवरीज की वजह से फिलासफी को बहुत हेल्प मिला उसके मेथड्स ओन मेथड्स डेवलप करने के लिए सो वाइस वर्षा जो फिलासफिकल स्टेटमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं उनको भी स्टडी किया जाता है अंडर साइंस जो कि आल्सो एक्ट करते हैं बेसिस फॉर द कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशनज अंडर साइंस दस हम कह सकते हैं कि जो फिलासफिकल अचीवमेंट्स अगर हमें देखने को मिलती हैं वो हमें आल्सो uh, अचिवमेंट देखने को मिलती हैं साइंस में साइंस के लिए फॉर इंस्टेंस डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो या न्यूटन की डिस्कवरी या इक्वलिडियन ज्योमेट्री की डिस्कवरी सो so, ये ऑल दीज अचीवमेंट्स जो हैं ये हमें बहुत साइंटिफिक और फिलासफिकल देखने को मिलती हैं दस बहुत डिसप्लिन जो हैं ये डील करते हैं विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एंड देयर नेचर ऑफ वर्ल्ड बाय शेयरिंग कॉमन टूल्स सच एज़ इन्वेस्टिगेशन हमें दोनों में देखने को मिलता है सर्च एंड रिसर्च ऑफ नॉलेज हमें देखने को मिलता है या प्रॉपर्टीज़ का हमें दोनों में देखने को मिलता है सच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स सो दस जो बोथ फ़िलासफी एंड साइंस हैं ये हमें को रिलेटेड देखने को मिलते हैं इंटर रिलेटेड देखने को मिलते हैं विथ ईच अदर सो जो फ़िलासफिकल इंसाइट्स हैं ये आल्सो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज समाइम्स जो फ़िलासफर्स होते हैं वो आल्सो यूज़ करते हैं थाट एक्सपेरिमेंट्स को जिनको ज़्यादातर साइंस में यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सो so, इसी तरह जो फ़िलासफ़ी है ये भी थाट एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए इशूज़ रिलेटेड टू तो नॉलेज सो so, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये हमें कॉमन देखने को मिलते हैं इन बोथ डिसिप्लिन वेदर साइंस एंड फ़िलासफी एज अगर हम एनस्ट, एन, एनस्टाइन की थोड़ी यूज़ ऑफ़ मतलब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में मतलब थाट एक्सपेरिमेंट यूज़ किया प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी तरह डार्विन ने थॉट एक्सपेरिमेंट यूज़ किया फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ थ्योरी सो so, इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने कंडक्ट किए सक्सेसफुल फाउंडेशनल और कंसेप्चुअल एनालिसिस एज ए पार्ट ऑफ दियर रिसर्च दस हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड फ़िलासफी की हैं वो हमें बहुत ही डीप और एडवासड देखने को मिलते हैं बहुत डिसिप्लिन जो हैं ये वर्क करते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एज़ uh, हमने देखा कि फ़िलासफिकल एडवांसमेंट आल्सो हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं साइंस uh, में हल जो हैं हल uh, एक फ़िलासफ़र हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो फ़िलासफी ऑफ साइंस हैं कि सीख करता है सर्च करता है नई नई वेज़ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बोथ फिलासफी एंड साइंस जो हैं अकॉर्डिंग टू हिम ये असेसबल हैं हेल्पफुल हैं टू ईच अदर गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग